नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। ब्रिटिश काल से ही मसूरी देहरादून रोड अपनी हरियाली और खूबसूरती के लिए विख्यात है। आज़ादी के बाद राजपुर से लेकर मसूरी और सहजदारा की चूनी खानों में खनन शुरू हुआ, जिससे देहरादून मसूरी मार्ग पर हरियाली में ग्रहण लगना शुरू हो गया था, जिसको देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने टेरिटोरियल आर्मी का गठन किया और इस क्षेत्र की हरियाली और पर्यावरण को बचाने के लिए वनीकरण करवाया गया, जिसके बाद इस क्षेत्र की खूबसूरती का आज तक पर्यटक दीदार करते हैं। लेकिन बढ़ता अतिक्रमण से मसूरी देहरादून मार्ग की खूबसूरती पर दाग लग रहा है। बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग सहित जनपद में जिला प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से निर्माण के लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन इन नियमों की धज्जियां उड़ाकर और अधिकारियों की मिलीभगत से मसूरी देहरादून मोटर मार्ग के पास ही हरियाली अब पूरी तरह से अतिक्रमण को भेंट चढ़ चुकी है। बता दें कि 1970-80 के दशक में देहरादून के राजपुर और सहजदारा सहित मसूरी देहरादून मार्ग पर चूने की खाने खुलने के कारण यहाँ की खूबसूरती पर घृण लग गया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने टेरिटोरियल आर्मी का गठन किया ताकि देहरादून मसूरी मार्ग की खूबसूरती बनी रहे। इसके साथ ही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण पर नियम लागू किए गए थे, लेकिन आज देहरादून मसूरी मार्ग के पहाड़ों को खोदकर एक बार फिर से कंक्रीट के जंगल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन और MDDA अतिक्रमण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि जिला प्रशासन और MDDA के संयुक्त सर्वे में देहरादून मसूरी मार्ग के दोनों ओर 100 से अधिक अवैध अतिक्रमण का पता चला है।